नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे देखिए सुबह की साफ सफाई में लग गई हूँ, तो हम लोगों का काम ही क्या, बस सुबह उठना और सारे घर को बस मेंटेन करके रखना। तो बस देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बेडशीट चेंज किया है क्योंकि आज धूप भी अच्छा आया है और मौसम भी ठीक है, तो ही सोचे कि चलो क्यों ना यहाँ का बेडशीट को थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट निकाल दी हूँ और दूसरी बेडशीट बिछा रही थी तो सुबह में लग गई थी, तो मैं पहले इसे निकाल लेती हूँ और फिर पलंग पे दूसरी बेडशीट हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रजाई भी थोड़ा सा समेट देते हैं, थोड़ा सा मतलब अभी जो है कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए बाबू भी उठ गई थी। और उसके बाद देखिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे रूम में, तो पूरे रूम में क्या पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है हमारी। तो बस मैं अपना रूम में लगा रही थी और रूम में झाड़ू लगाने के बाद अब लगाऊंगी मैं पोछा। तो पोछा लगाने के बाद तो आज तो बसंत पंचमी है और त्यौहार का दिन भी था, तो सोचे क्यों नहीं थोड़ा सा घर का साफ सफाई तो ऐसे मैं रोज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पूजा पाठ भी आज होगा, तो इसीलिए सोचे कि जल्दी जल्दी से। तो सवेरे मैं उठ के अपने कामों में ही लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर में रूम में मतलब पूरा घरों में पोछा वोछा लग गया था। और फिर आ गई थी मैं किचन में, तो किचन भी थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। किचन में सफाई करने के बाद फ्रेंड तो यहाँ पे गैस सब भी पोछ लेते हैं, तो मैं रात में ही पोछ लेती हूँ ज़्यादातर। तो क्या हुआ था, थोड़ा सा रात में ना तबीयत की ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने किचन का काम ख़त्म नहीं किया था और मैं सो गई थी, इसीलिए अभी मुझे करने पड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं चाय बना के दे देती हूँ सबको घरों में। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है, पानी सब पहले पियेंगे फिर उसके बाद चाय, और फिर जल्दी से सबको चाय और पानी दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो उसके बाद देखिए घर में सबको चाय मतलब सुबह सुबह चाय तो होना ही चाहिए। और फिर चाय देने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो आज देखिए मैं सोची कि क्यों नहीं साड़ी से, अगर मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है तो मैं साड़ी से ख़त्म भी करूं, तो आज मैं साड़ी पहन ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाल झाड़ रही थी और उसके बाद आज बाबू को भी नहा दिया क्योंकि त्यौहार का दिन है, तो नहलाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छा भी लगता है और सब साफ सुथरा हो जाने के बाद मन भी अच्छा फ्रेश लगता है। और यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा मतलब नहला दी थी। और ये देखिए भाग रही थी, ये ना बहुत ही बदमाशी करती है, तो ये बाल भी सही से नहीं झाड़ने देती है, तो इसे थोड़ा सा बस बाल में कंघी कर ली और उसके बाद थोड़ा सा मैं काजल लगा देती हूँ। तो ये काजल लगाने के लिए ना बहुत ही मतलब इसको देखिए हाथ में ना मैं लिपस्टिक दे के रखी हूँ, तो पता है लिपस्टिक देने के बाद ये मतलब लिपस्टिक पे इसका ध्यान चला गया था, तो ये तब फिर भी मुझे नहीं लगाने दी काजल। ये बहुत रोती है काजल लगाने में, इसका नखरा बहुत है। और फिर जाके थोड़ा रेडी कर ली थी, तो और उसके बाद सोची चलो थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ बाबू को, फिर इनके पापा बाहर लेके चले जाएंगे घुमाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दूध और बिस्किट में बाबू को खिला रही थी, तो उसको खिलाने के बाद बाबू को लेके इसके पापा चले गए थे बाहर। और फिर मैं आ गई थी किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए, तो सुबह के नाश्ते में मैं बना रही थी देखिए फ्रेंड्स, तो अभी मटर का सीजन चल रहा है तो मटर की घुघनी बना रही थी। तो सुबह सुबह मैं मटर का घुघनी ही बना रही थी, तो बस सिंपल है, बस तेल डालो और उसमें थोड़ा प्याज आप ज़्यादा डालिए, तो घुघनी में तो थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डलता ही है। और फिर सारे मसाले बस लहसुन मिर्ची जीरा मैंने मसाला और कुछ नहीं डाला है, और हल्दी नमक डाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया था। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा आलू सींच गया था तो मैं मटर डाल दी, और मटर डालने के बाद क्या थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ और मैं दूसरे एक्सचेंज कर लेती हूँ। तो ये साइड मैंने चूल्हे पे रख दिया, तब तक इधर मेरे जो है ढक के मैं इसे मटर को पकाती हूँ, तब तक मेरे मटर भी सीन जाएंगे। और मैं इधर रोटी सेक लेती हूँ, तो बस रोटी तो पता है मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पता है मम्मी के घर ना मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती थी, तो मुझे ना चावल ही पसंद थे। लेकिन सवेरे सवेरे मैं ज़्यादातर पता है तो सवेरे इतना मतलब सवेरे नाश्ते में मैं क्या खाया करती थी, मतलब मूढ़ी खाया करती थी, मुझे ना मूढ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मतलब ससुराल में आके मैंने रोटी भी खाना सीख लिया, और रोटी तो खाती हूँ ज़्यादातर, मैं मूढ़ी उड़ी ही खा लेती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे रोटी होना ही चाहिए। तो अब थोड़े थोड़े मुंह में अच्छे ही लगने लग गए हैं, तो पता है मुझे रोटी नहीं पसंद थी, लेकिन अब समय के साथ साथ सब चीज़ इंसान को पसंद करना चाहिए।
तो फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरा सब घुगनी भी तैयार हो रहा था और इधर रोटी, तो मेरा यहाँ पे घुगनी हो गया और रोटी भी बन गई थी। तो देखिए, तो थोड़ा सा आप इसमें अगर घुगनी जब भी बनाए ना तो आप आलू डालो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए, और इधर मेरा सुबह का नाश्ता कंप्लीट हो गया था, और सुबह में जो मैंने कपड़े धोए थे बेडशीट सब, तो वो सारे क्या है, मैं आई छत पे देने के लिए, तो पता है सुबह में इतना अच्छा मौसम था ना, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, मौसम भी ख़राब हो गया, ऊपर से इतना तेज़ हवा चल रहा था, और मैं नहाई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड भी लग रही थी फिर। और उसके बाद पता है फिर मैं नीचे आई तो थोड़ा सा रेस्ट करी, और उसके बाद पता है मतलब मेरे हस्बैंड ना नहीं खाए रोटी और सब्जी, सुबह में नाश्ता नहीं किए, तो पता है उनके दांतों में थोड़े दर्द हो गए थे, तो ये बोले कि हलवा बना। और पता है मेरे हस्बैंड को ना, जब मैं शादी करके पहली बार आई थी ना, तो उसको हलवा पसंद नहीं था, लेकिन मैं जब बनाने लगी ना तो फिर उसको अच्छे लगने लगे, तो वो खाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं सूजी के हलवे बना रही थी, तो बस ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है कि सूजी को आप थोड़े से लाल करके फ्राई कर लो और उसके बाद पानी ऐड कर दो, आपका मन है तो दूध डाल दो या तो। और देखिए यहाँ पे मेरा हलवा बिल्कुल रेडी है, तो मैं घर में सबको दे। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और अभी सुबह का काम करते करते 12:30 बज चुके हैं, आज काफ़ी लेट हो गया है, और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां आए, और भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी मतलब फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, तो सबके ज़िंदगी में बहुत ही खुशियां आए। और अभी हमको दोपहर का खाना भी बनाना है, तो हम लेडीज़ के कभी काम ख़त्म ही नहीं होती है, हम लोग कितना भी यार सोचो तो कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ करने को रहता ही रहता है, तो हम लोग का काम ख़त्म ही नहीं होता है। और बहुत सारी बातें हो गई, तो मैं अभी आप लोगों को लेके चलूँगी किचन में, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और काफ़ी ज़्यादा आज लेट भी हो गया है, तो 1 बज गए आप लोगों से बातें करते करते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं चलती हूँ जल्दी से किचन में, और किचन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़े देर पहले ही चावल और दाल चढ़ा लिए थे, तब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। और मैं चावल दाल तो बहुत आसान है, सब जानते हैं बनाने के लिए, तो और फिर उसके बाद और चावल दाल मेरे चढ़े हुए हैं, तब तक मैं बैंगन को काट लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बैंगन के भाजे और पालक की साग बनाऊंगी, तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ, तो आप ना इसे थोड़ा सा मोटा करके काटें, तो मोटा काटने के बाद क्या होता है कि बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, अगर इसे पतला काटोगे ना तो अच्छे नहीं बनते। और यहाँ पे फिर मैं साग भी काट लेती हूँ, तो साग काटने के बाद मैं धोने चली गई थी, तो मैं धो ही नहीं थी, तो यहाँ पे पालक भी मैं काट लेती हूँ, तो दाल चावल पालक के सब पालक मतलब दाल चावल के साथ पालक की साग ना अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ बैंगन भी मेरे, तो देखिए यहाँ सब्जी भी मेरे कट हो चुके हैं और दाल चावल भी बन गए थे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैं बैंगन के भाजे बनाऊँगी ना, तो बैंगन के भाजे में क्या है कि मैं लहसुन मिर्ची ही सिर्फ मतलब पीसी हूँ, और उसके बाद मैं उसमें डाल दी थी थोड़ा सा नमक और हल्दी। और पता है ये ना मतलब एक और वीडियो में मैं बनाई थी ये वाली सब्जी ना, तो मुझे कमेंट भी आए थे कि दीदी आपने ये वाली मतलब सब्जी कैसे बनाई, तो प्लीज़ मुझे एक बार बताओ। तो फिर मैं सोची कि चलो रेसिपी भी हो जाएगी मेरी और शेयर भी कर लूँगी, तो फिर इसी तरह लहसुन मिर्ची का पेस्ट, क्या उसी में लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के हल्दी नमक, और फिर इसके बाद आप पूरे बैंगन के ऊपर लगा लो, और उसके बाद थोड़ा सा तेल कढ़ाई में मैंने डाल दिया था, तेल गर्म हो गई थी फ्रेंड्स, तो फिर इसको पहले ना फर्स्ट में जब आप बनाते हो ना, तो उसको थोड़ा सा तेज़ आँच में रखो, तेज़ आँच में थोड़े से जब लाल होने लगेंगे ना, तो फिर एक साइड से पलट दो, और उसके बाद ना आप आँच को ना थोड़ा कम कर दो। तो उसके बाद देखिए इसी तरह करके मैंने पका लिए हैं, इसको पकने में कम से कम 6-7 मिनट तो लग गए थे, थोड़ा सा कम करके पकाइए, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं दाल चावल के साथ, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी वहाँ बैंगन की सब्जी हो गई थी, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने कढ़ाई नहीं धोया, क्योंकि कढ़ाई गर्म भी थी, तो सोची इसी में, तो लहसुन और मिर्ची मैंने लाल कर ली थी कढ़ाई में। और देखिए फिर उसके बाद मैं पालक ऐड कर दी, तो पालक की साग बना रही हूँ, बस थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे बना लेती हूँ साग, और इसे थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो देखिए पानी भी छोड़ दिया इसमें काफ़ी ज़्यादा ढक के पकाने के बाद, और इसके जब तक पानी निकल जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर हमारे साग हो जाएंगे, तो आप इसका सारे पानी को निकाल लो, जब तक ये पानी जल नहीं जाएंगे तो साग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, साग के पानी जल जाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। और यहाँ पे बातों ही बातों में हमारी तो दोपहर की खाना भी हो गई रे, किचन के काम से भी मिली मुझे छुट्टी, तो
तो किचन के सारे काम हो गए ख़त्म। तो मेरा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड, लेकिन मैं इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तब तक बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, ऐसे से रहिए, अपने फैमिली में खुश रहिए, और क्या। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली।